This is my 8th Olympiad. I should admit this is the best conditions I've ever seen. And thank you so much, the Indian Chess Federation and Ramco Systems for this. And also we are playing with the best ever team so far. And I just hope we'll do our best, and I just hope for the best. Thank you. हमारे साथ है हरिका द्रोणावली, और सबसे पहले तो उन्हें बधाई बहुत बहुत, उनके नवजीवन की शुरुआत हुई है अभी अभी उनकी शादी के लिए। थैंक यू हरिका, हम्पी की टीम में वापसी हुई है आप, पिछले बार भी आपने बहुत प्रयास किया था, भारतीय टीम ने बहुत अच्छा खेला था, इस बार मेडल की उम्मीद बंधी हुई है, क्या सोचते हैं आप, क्या उम्मीद है इस बार टीम से? इस बार सबसे अच्छा ये है कि बेस्ट प्लेयर्स तो है, बट उससे ज़्यादा हम सब बहुत इंटरेस्टेड है, आई मीन बहुत एंथुसियास्टिक है खेलने के लिए, क्योंकि काफ़ी ब्रेक आया है हम्पी को भी, और मुझे भी मेरे शादी की वजह से बहुत टाइम नहीं खेल पाई हूँ, तो वी आर लाइक रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले चेस, एंड वी वॉन्ट टू एन्जॉय द टीम स्पिरिट एंड चेस एवरीथिंग, सो आई फील डेफिनेटली it will be helpful, at the same time we worked hard before this, and मुझे लगता है कि वो ज़रूर किसी ना किसी फॉर्म में तो दिखेगा। पिछले बार भी कुछ टीमें थी जिन्होंने भारतीय टीम को परेशान किया था, इस बार कोई खास तैयारी की है उन टीमों के लिए? ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी एक लोगों के लिए या किसी एक टीम के लिए करना चाहिए, हम इस पर कॉन्सेंट्रेट किया कि हम खुद डेवलप करें एज ए प्लेयर, तो डेफिनेटली हमें जितना बेटर होना है वो करेंगे, तो कोई भी टीम आए हम मैनेज कर लेंगे, तो हमारा सिर्फ कोशिश ये था कि हम जितना हो सकता है उतना काम करें खुद की चेस में। इस बार आनंद और हम्पी की टीम में वापसी से टीम में डेफिनेटली एक ऊर्जा दिख रही है नई, और सब बहुत खुश हैं टीम को लेकर के। 11 राउंड का इवेंट होगा और काफ़ी दिन चलता है, आपके हिसाब से वो क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है टीम के लिए इस लंबे सेशन के दौरान? मुझे लगता है स्टैमिना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, बहुत एंड में अगर अच्छा खेलेंगे तो सबसे बेस्ट होगा, जैसे कि लास्ट टाइम हमारा बहुत ख़राब हुआ पहले, बट एंड में जब हम अच्छा खेले थे फिफ्थ पे आ गए, तो एंड का वो जो स्टैमिना है, वो कंसिस्टेंसी, अगर वो अच्छा रहेगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। इस बार तो एक रसोईया भी जा रहा है साथ में, आपका खाना मिलने वाला है, भारतीय खाना वहाँ पर आप लोगों को, उसका भी इंतजाम किया गया है ताकि आप लोगों को भारतीय खाना वहाँ पर मिले, इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा? पक्का पड़ेगा, खाना बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंडियंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और अगर अच्छे से खाएंगे और अच्छे स्पिरिट्स में रहेंगे तो वो गेम में भी दिखेगा, तो डेफिनेटली दैट्स अ वेरी यूजफुल थिंग। तो हरिका बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर, और शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम इस बार स्वर्ण पदक लेके वापस आएगी। थैंक यू, वी टू होप सो। थैंक यू वेरी मच।